दुनिया में लगातार विकसित और मुखर हो रही नारीवादी सोच की ठोस बुनियाद सावित्री बाई और उनके पति ज्योतिबा ने मिलकर डाली। दोनों ने समाज की कुप्रथाओं को पहचाना, विरोध किया और उनका समाधान पेश किया। दो साड़ी लेकर जाती थी सावित्री। रास्ते में कुछ लोग उन पर गोबर फेंक देते थे। गोबर फेंकने वाले ब्राह्मणों का मानना था कि शूद्र अति शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता है। घर से जो साड़ी पहनकर निकलती थी वो दुर्गंध से भर जाती थी। स्कूल पहुंचकर दूसरी साड़ी पहन लेती थी और फिर से लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर देती थी और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। यह घटना 1 जनवरी 1848 के आसपास की है। इसी दिन सावित्री बाई फूले ने पुणे शहर के भिड़ेवाड़ी में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। आज के दिन भारत की सभी महिलाओं और पुरुषों को उनके सम्मान में उनकी तरह ही टीका लगाना चाहिए, क्योंकि इस महिला ने स्त्रियों को ही नहीं बल्कि मर्दों को भी उनकी जड़ता और मूर्खता से आजाद किया है। सावित्री बाई ने अपना पहला स्कूल नहीं खोला, पहली अध्यापिका नहीं बनी, बल्कि भारत में औरतें अब वैसी नहीं दिखेंगी जैसी दिखती आई हैं। इसका पहला जीता जागता मौलिक चार्टर बन गई हैं सावित्री। उन्होंने भारत की मरी हुई और मार दी गई औरतों को दोबारा से जन्म दिया। मर्दों का चोर समाज पुणे की विधवाओं को गर्भवती कर आत्महत्या के लिए छोड़ जाता था। सावित्री बाई ने ऐसी गर्भवती विधवाओं के लिए जो किया है उसकी मिसाल दुनिया में शायद ही कोई हो। सावित्रीबाई फूले वो अहम हिस्सा है हमारे समाज का जिसे दिखाना जरूरी है, ताकि हम उन्हें सिर्फ डाक टिकटों के लिए याद ना करें, याद करें तो इस बात के लिए कि उस समय अगर सावित्रीबाई यह कदम ना उठाती तो आज हमें पढ़ा रही शिक्षिकाएं हमारे समाज में ना होती। एक महिला भी थी जिसका नाम सावित्रीबाई फूले था, जिन्होंने हमारे देश में महिलाओं को और शिक्षा को बढ़ावा दिया है।